नमस्कार, मैं राजकुमार श्री अरविंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत बहराइच यूपी के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है विद्यार्थियों का शब्दकोश। शिक्षक हमेशा कई ऐसे प्रयास करते हैं कि बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, वे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, उनके अंदर शिक्षा के प्रति रुचि बनी रहे, वे शिक्षा के अंदर बेहतर परिणाम प्राप्त करें, परीक्षा में उनके परिणाम बेहतर हो, विद्यालय में उनकी निरंतर उपस्थिति बढ़े। इन सारे प्रयासों के लिए वे अपने शैक्षिक स्तर में लगातार बदलाव करते रहते हैं, शिक्षण व्यवस्था में बदलाव करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो नवाचारी शिक्षक ने प्रयास किया कि बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि हो। यदि बच्चों की वोकेबुलरी बढ़ेगी तो उनकी उनकी भाषा से संबंधित उनकी कला बढ़ेगी, उनकी समझ विकसित होगी, वे इंग्लिश में बात कर पाएंगे। नवाचारी शिक्षक ने बच्चों की हिंदी और इंग्लिश दोनों के शब्दकोश बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने प्रार्थना सभा में विद्यालय के सभी बच्चों को कहा कि आप आज कल से प्रतिदिन 2 शब्द घर से नए लिख कर लाओगे। वे 2 शब्द आपके आसपास किसी भी वस्तु से, पशु पक्षी जानवर से, वातावरण से, पेड़ पौधों से संबंधित हो सकते हैं। आपको उन 2 शब्दों को हिंदी में लिखना है, उनका इंग्लिश वर्जन लिखना है, या अगर वो इंग्लिश में याद आ रहे हैं तो उनका हिंदी वर्जन पूछकर लिखना है। आप इसमें सहायता अपने माता पिता की ले सकते हैं, डिक्शनरी की सहायता ले सकते हैं। आप अगर चाहें और कोई शब्द जिसकी हिंदी या इंग्लिश आपको नहीं समझ आ रही है, आप हमसे भी उसके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको प्रतिदिन कम से कम 2 नए शब्द लिखकर लाने हैं। आप वो शब्द लिखकर लाएंगे, मैं कक्षा के अंदर एक बॉक्स रख देता हूँ, आपको वो 2 शब्द रोजाना उस बॉक्स में डाल देने हैं। हम सप्ताह के अंदर हर शनिवार को बाल सभा के दौरान उससे संबंधित एक्टिविटी करेंगे। नवाचारी शिक्षक के द्वारा इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर बच्चे रोजाना 2 शब्द लिखकर लाते हैं और उस बॉक्स में डाल देते हैं। सैटरडे वाले दिन एक एक्टिविटी के दौरान नवाचारी शिक्षक 1 बाय 1 कक्षा के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, कोई भी एक पर्ची निकालते हैं वो बच्चे, और उस पर्ची में लिखा हुआ शब्द इंग्लिश में या हिंदी में बोलकर उच्चारण करते हैं और कक्षा के बाकी सदस्यों से उसका दूसरा अर्थ पूछते हैं। अगर हिंदी का शब्द है तो उसका इंग्लिश मीनिंग पूछा जाएगा, और इंग्लिश में वर्ड बोला है तो उसका हिंदी अर्थ पूछा जाएगा। इससे बच्चों की वोकैबुलरी एनहांस होती है। इसी प्रकार महीने में एक दिन कक्षा के बच्चों को 5 से 6 बच्चों के समूह में बांट दिया जाता है। अभी 5-6 बच्चों का समूह दूसरे 5-6 बच्चों के समूह से क्वेश्चन पूछता है, वे पूरे महीने में याद किए हुए वर्ड मीनिंग पूछते हैं और दूसरा समूह उनके जवाब देता है। इस प्रकार जो समूह ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। विजेता समूह की कक्षा के बाकी बच्चे तालियां बजाकर सम्मान करते हैं। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी, आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।